वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब लेना बनता है, करें क्या? नहीं, मुझे लगता है इन्वैल्यूएशंस पे बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, और आज वाली एबरेशन है मूवमेंट, कुछ न्यूज फ्लो की वजह से, कुछ ब्रॉडर बाजार का सेंटिमेंट खराब होने की वजह से। इन लेवल्स पे अगर आप देखें, करीब 5 या 6 के मल्टीपल पे स्टॉक आपको मिल रहा है, और डिविडेंड यील्ड्स वगैरह भी काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी रोबस्ट रहनी चाहिए ज्यादातर कंपनीज के लिए, तो मुझे कोई ये लेवल पे ऐसे हड़बड़ा के लॉस बुक करने की या एग्जिट करने की कोई रीजन दिखाई नहीं देती। व्यू साफ है, अगर आप एक फंडामेंटल निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उतरे थे निवेश के उस प्ले को फैक्टर इन करने के लिए, तो पैनिक मत कीजिए। आज की गिरावट को देखकर होगा, इवेंचुअली तो होना ही है, सरकार ने ठान ली है तो होगा, थोड़ी सी और देरी हो रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक बीपी शेयर पर एक व्यू। हालांकि 355 का टारगेट दिया था रचना जी ने ट्रेडर्स को इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। चलिए, अब मोमेंटम कॉल्स की बारी है। रचना जी, शुरुआत आप ही से करेंगे, बताइए क्या ट्रेड जो आपको लग रहा है कल भी काम करेगा? जी, मेरी एक नजर, क्योंकि आज मार्केट 2 दिन से इतनी गिर रही है, तो हम जो अटेम्प्ट करेंगे बीटीएसटी के लिए वो लॉन्ग साइड पे कर सकते हैं, फॉर वंस एक माइनर पुलबैक की उम्मीद के साथ। और उसके लिए मेरी नजर फिलहाल एसआर ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स पे है। एसआर ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स अगर 1080 सस्टेन करेंगे, तो अगर ओवरऑल मार्केट कल के दिन में थोड़ी सी भी संभलेगी या रुकेगी भी, तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हम 1118 का नंबर कल इसके फ्यूचर्स पे देखने की उम्मीद कर सकते हैं, एसआर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की फ्यूचर्स पे लॉन्ग। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर एक बाय कॉल है, बीटीएसटी है, 1100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये है राय रचना की। आशीष बेहती, आपका ट्रेड? जी अर्शना, मैं एक काउंटर ट्रेड लेना चाहूंगा, मैं भी एचडीएफसी बैंक में। जिस हिसाब से 4 दिनों से हमने देखा है बैंक एक नीचे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, हमें लगता है कि अगर कल के लेवल पे एक थोड़ी भी रिकवरी आई तो एचडीएफसी बैंक में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में अभी खड़ा है बैंक, और जिस हिसाब से एक डबल बॉटम जो कि इसका लास्ट मार्च में 8 मार्च को भी एक बॉटम बनाया था, उसी लेवल पे रहे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 1345 का एक SL लगाना है, और जो टारगेट्स देख कर आ रहे हैं वो 1400 तक के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की सलाह है। जी एचडीएफसी बैंक पे अगर आप देखें, आपकी राय है बाय की। अगर आप आज एक बात तो है, कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें निफ्टी और निफ्टी बैंक का, तो एक ह्यूज डाइवर्जेंस है, ह्यूज डाइवर्जेंस है, और वो क्रिएट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। अच्छा, अभी एक व्यूअर ने सवाल पूछा था स्क्रीन पे कि भाई एग्जैक्टली पुट्स के साथ क्या करें। देखिए, इन प्रिंसिपल मेरा पिछले 3 दिन से एक ही व्यू रहा है, कुछ कैरी मत करिए। अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो कुछ कैरी मत कीजिए। सुबह हमने कॉल ट्रेड करी, शाम को हमने पुट ट्रेड करी, कैरी कुछ नहीं करना है। जो भी है इंडेक्स पर निपटा के आइए, सुबह का सुबह देखेंगे। खुले मन से ट्रेड देखिए, ये हमने ली थी 90 के आसपास, गई 114 तक, अब फिर 88 पे ट्रेड कर रही है, लेकिन कैरी कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा ग्राफ देखें, कैंडल टू कैंडल एक डाइवर्जेंस है निफ्टी निफ्टी बैंक में, तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए कैरी कुछ नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी भले ही ग्राफ देखें अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है, बट आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया। एक और स्टॉक जिसने अगर आप देखें डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वो है एचडीएफसी, माइनस एचडीएफसी 2207। आज सुबह से मेरी इसकी 2200 की कॉल पर नज़र थी, और स्विंग अच्छा मिला यहाँ पर, हालांकि वो स्क्रीन पे बात नहीं हुई थी, मैं बस मॉनिटर कर रहा था कि क्लोजर टू एक्सपायरी अगर आप देखें 2200 का कॉल राइटर और पुट राइटर क्या कर रहा है। आपको क्लोजर टू एक्सपायरी एचडीएफसी में एक स्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि पिछले 4 दिन में देखिए इस स्टॉक ने अपनी उस 19 अप्रैल की कैंडल को वॉलेट नहीं किया। आपका टेक मानस?